इसको हमारी छत्तीसगढ़ी में छबाई करना बोलते हैं। तो भौजी मन के बना दे छोटा सा घर। बहुत टेंशन है भाई, अकेले बना रहा हूँ यार, हालत खराब हो गया है, कब बने ऐसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज गए हैं दोस्तों सुबह के 6:40 और आज मैं थोड़ा लेट से उठा हूँ यार, और बाड़ी आ चुका हूँ फिर से यार मेड़ बनाने के लिए। ये देखिए ऊपर साइड का बन चुका है, ये देखो ऊपर वाला हिस्सा बन गया भाई, थोड़ा रिलैक्स लगा। और नीचे वाला हिस्सा बचा है भाई, देखो पूरा ये नीचे वाला एरिया है। पता नहीं यार कितने दिन में बनेगा, डेली का वही काम करते करते हालत ख़राब हो जा रहा है भाई। अभी एक और बाड़ी है उसमें भी मेड़ बनाना है, अभी ये कितने दिन में बनेगा क्या पता यार, एक आध दो दिन तो इसी को बनाने में लग जाएगा। अब अकेले बनाता हूँ दोस्तों तो समय तो लगेगा यार, तो चलिए जल्दी से मेड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों नाली ही निकाल लेता हूँ यार, ये देखिए 20 से नाली निकालूंगा, उसी में पानी जाएगा। सबसे पहले नाली ही निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मेड़ बनाना स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों नाली निकाल लिए हैं, ये देखो भाई कुछ इस प्रकार से उधर से पानी आएगा, उसके बाद यहाँ से फिर इधर निकाले हैं, इधर अभी मेड़ बनाएंगे देखो। चलिए दोस्तों अब मेड़ बनाना स्टार्ट करते हैं यार, धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है और एक आध दो घंटा ही कर पाऊँगा, ज़्यादा लेट तक काम नहीं कर पाऊँगा दोस्तों, धूप बहुत ज़्यादा कर रहा है, हालत ख़राब हो जाता है भाई धूप में। चलिए बना लेते हैं मेड़ को। अभी 9 बज चुका है दोस्तों, और कितना सारा बनाए हैं अभी तक मैं चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों इस साइड बना है वहाँ तक, और अभी इस साइड बाकी है यार, देखो कम से कम नाली बनाए हैं वहाँ तक बन जाए ठीक रहेगा, वहाँ तक देखिए ये वाला हिस्सा बचा हुआ है। चलिए थोड़ा बहुत और बना लेते हैं, नाली तक भी बन जाएगा तो ठीक रहेगा भाई, अभी तो पूरा बाड़ी बाकी है, एक आध दो दिन लग जाएगा बाकी, अभी नाली खींचे हैं वहाँ तक कम से कम बन जाए तो ठीक रहेगा। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। फाइनली दोस्तों एक साइड नाली निकाले थे, उस साइड मेड़ बना लिए हैं, ये देखिए दोस्तों इस साइड बन गया, अब बाकी इस साइड बचा हुआ है अभी, और पूरा बाड़ी बचा है यार अभी इस साइड का। तो ले देख यार एक साइड बन पाया है, 9:50 हो गया और हालत ख़राब हो चुका है भाई, अब एनर्जी डाउन हो चुका है, अब काम नहीं कर सकता, कुछ खाया पिया भी नहीं था, सुबह से आ गया था और आज थोड़ा लेट में उठा यार, वरना 6 बजे ही भिड़ जाता था काम में, बहुत ज़्यादा धूप कर रहा है इस समय। तो चलिए दोस्तों अब मैं नहा लेता हूँ यार। सो गाइस अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और अब खाना खाने का समय हो चुका है, और इधर देखो भाई हिमांशु भाई भी पहुँचे हैं, क्या हाल है यार? बढ़िया है, दयानंद भी पहुँचे थे यार घर, अभी खाना खाएंगे के लिए, हम खाना खा लेते हैं, पर है बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ है भाई हिमांशु से भी। और उधर मम्मी क्या कर रही है, देखो खाना वाना निकाल रही है मम्मी, क्या सब्जी है? मछली और मछली सब्जी है, और अभी अचार आलू चटनी चटनी बना रही है आलू का, कितने लोग खाए हैं आलू की चटनी कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अब खाना खा लेते हैं।
सो दोस्तों खाना खा लिए हैं और हिमांशु भाई भी थोड़ा देर तक रुका यार, उसके बाद वो भी घर चले गया है। अब चलिए यार रेस्ट कर लेते हैं, शाम को अच्छा माहौल रहेगा तो फिर मेड बनाएंगे या क्या करेंगे। अभी बज गए हैं दोस्तों शाम के 4 और अभी मैं फिर जाऊंगा यार बाड़ी मेड़ बनाने के लिए। इधर देखो भाई गाय के लिए हैं, छोटा सा घर बनाए हैं, तो ये देखो गाय है, ये टूट गया था तो उसी को बना रहे हैं। तो मम्मी देखो उधर क्या कर रही है, इसको हमारी छत्तीसगढ़ी में छबाई करना बोलते हैं। वीडियो बना झांकी करूंगा तो भौजी बना के बना दे छोटा सा घर। चलिए दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ यार, मेड़ बनाना बहुत ज़रूरी है, अभी बारिश होगा फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर बारिश होता है तो फिर मेड़ बनाना ही नहीं बनता, और अभी मौसम बदली आया हुआ है, हो सकता है बारिश भी हो जाए। सो बाड़ी पहुँच चुके हैं दोस्तों, और ये देखिए सुबह इस साइड को बनाए थे और अभी इस साइड को बनाएंगे भाई, और देखिए मौसम मस्त आज बदली आया हुआ है, आज बदली आया हुआ है तो अच्छा लग रहा है यार, वरना धूप में हालत ख़राब हो जाता था। अब बारिश मत हो ये बस टेंशन है भाई, कम से कम मेड़ बन जाए रहेगा तो बारिश हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच को लगा देंगे, लेकिन मेड़ नहीं बने रहेगा फिर बारिश हो जाएगा तो यार मेड़ बनाते ही नहीं बनेगा। तो चलिए काम में लग जाते हैं, सबसे पहले नाली बना लेते हैं दोस्तों। नाली भी बना लिए हैं दोस्तों और हल्का फुल्का धूप भी आना स्टार्ट हो चुका है यार, ये देखिए अब इसको मेड़ बनाएंगे। चलिए दोस्तों हम मेड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 6 और कितना सारा बन चुका है चलिए दिखाता हूँ। अभी ये देखिए भाई स्टैंड खड़ा है, वहाँ तक से बनाते आ रहे हैं और यहाँ तक बन चुका है, थोड़ा सा बचा है, ये देखिए 3-4 लगभग बनेगा। अभी नाली खींचे हैं उस पर, यह कभी लगता है बन जाएगा भाई, 3-4 बस बनेगा और उसके बाद ये भी कम्प्लीट, और बाकी बचा है वो लगभग 1-2 लग जाएगा बनाने में। बहुत टेंशन है भाई, अकेले बना रहा हूँ यार, हालत ख़राब हो गया है, कब बने ऐसा लग रहा है। चलिए दोस्तों अभी बचे हैं उसको बना लेते हैं। फाइनली दोस्तों एक परी और बन गया यार, और अभी लगभग 6:25 हो चुका है भाई, मतलब 6:30 बज चुका है, और वीडियो का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा क्योंकि अंधेरा होना स्टार्ट हो रहा है। और ये देखिए भाई ये सुबह उस परिया को बनाए थे और अभी इस परिया को, और अभी आधा हिस्सा बचा हुआ है इसका, और इसके ऊपर वाला भी हिस्सा बचा हुआ है, लगभग 2 और लग जाएगा यार उसके बाद ये बाड़ी कम्प्लीट होगा भाई, फिर बीज वगैरह ला के लगाएंगे, वही भिंडी वगैरह लगाएंगे सोचा हूँ मैं दोस्तों, कैसा रहेगा यार भिंडी कमेंट बॉक्स में बताना, और टमाटर वगैरह भी कई लोग कमेंट में बताते हैं यार, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता दोस्तों, मल्चिंग पेपर में खेती करते हैं, पॉली हाउस वगैरह रहता है तो ज़्यादा सक्सेस होता है यार, हाँ इस समय बरसात ज़्यादा रहता है पानी के कारण उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता दोस्तों, इसी नाम से यार टमाटर वगैरह नहीं लगाते, जो जो सब्जी सक्सेस हो पाता है वही लगाते हैं यार, अगर लगाए और सक्सेस नहीं हुआ तो कोई मतलब का नहीं होगा दोस्तों। वही सोचा हूँ यार भिंडी लगाऊंगा, बरबट्टी और करेला वगैरह, अब रेट मिलेगा या नहीं वो तो पता नहीं, अपने साइड सब्जी की खेती बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, दूसरे साइड देखोगे तो बहुत ज़्यादा रेट रहता है सब्जियों का, अपने साइड यार वैसा कभी नहीं रहता, तो
तो ठीक है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से रहा यार आज का दिन। बाकी कैसा लगा आज का ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने के लिए, तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।